Welcome, dear viewers. Today, my content is about the great fights, Lata Mangeshkar's, suman Kalyan's, Mohammad Rafi, and Anuradha paudwal's, and Alka yagnik's, giving to literary floors information, new research. Dosto, 1960s ke dors mein, reality show mein, Asha Lata Mangeshkar's bhi ye chahti thi ki reality show ke liye singer ke liye bhi kuch hona chahiye. Lekin dosto, aisa karan hua कि मोहम्मद रफ़ी साहब इस बात को नहीं मानते थे. मोहम्मद रफ़ी साहब जो अपनी भाषा में कह गए, लेकिन फिर लता मंगेशकर ने कहा कि मैं आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी. और दो तीन साल के लिए वो लड़ाई उनकी जारी रही और कई गीत संगीत से निर्माता बड़ी परेशान भी रही. लेकिन दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिर दिल में ये ठान ली और उसमें ज़माने में कमल पावा और शमशाद और आशा भोसले कई ऐसी कलाकार थी जो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाना शुरू किया था. लेकिन उस ज़माने में सुमन कुलियान की भी हम बात करेंगे. लेकिन दोस्तों, वीडियो कौन तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, गिव टू कमेंट्स न्यू इन्फॉर्मेशन टू रिसर्च. दोस्तों, ज़माने में याद रहे कि हमने ये रिसर्च की कि 1961 में घराना फिल्म बनी थी जिसमें कमल शमशाद आशा भोसले ने गीत गाए थे और लता उनका ये दौर जो 60s का दौर था मोहम्मद रफ़ी के साथ बिल्कुल 61 में उसने गाना नहीं गाया. और मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई ऐसे गीत थे जिसमें हसन वाले तेरा क्या कहना. दोस्तों, ऐसे कई गीत थे घराना फिल्म के लिए. जब से तुम्हें देखा अजी में बलमा तेरी, अजी में बलमा तेरी. ये दुनिया उसे के जो प्यार कर ले, ये दुनिया उसे के जो प्यार कर ले. दोस्तों, ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन हम बात करते हैं मेरे तेरे बिन में. दोस्तों, ये गीत और कई ऐसे अंतर थे. लेकिन ये फिल्म दोस्तों उस ज़माने में साउथ के लोगों ने इस फिल्म की जो दूसरी एसएस वासंस जो एक जर्मन फिल्म कंपनीज के मालिक थे जो उस ज़माने में 19 में उन्होंने इस फिल्म को घराना की जो इससे पहले 1960s की बात है कि 1960s में जिसमें शांति फिल्म्स की जगह जो है घराना आई. असल में ये फिल्म वहाँ से आई और जिसके लिए उन्होंने मुख्य कलाकार जो राजेंद्र कुमार आशा पारिक और कई ऐसे कलाकारों को एक्टर्स को जो है फिल्मों में लेना चाहा. लेकिन दोस्तों, बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की जो उस ज़माने में जो गीत थे जो रवि ने उस ज़माने में गीत दिया था. जिस तरह चांद हो सितारों में. दोस्तों, ये और जो स्लो सॉन्ग हुसन का सॉन्ग जो इस फिल्म का था घराना का, हुसन वाले तेरा क्या कहना. दोस्तों, रवि ने इसका गीत का जो है संगीत दिया था और शकील बदयूनी को अवार्ड मिला था. मोहम्मद रफ़ी को भी इसमें अवार्ड मिला था. दोस्तों, कई ऐसे गीत थे. लेकिन हम फिल्म जगत में जो टी सीरीज़ की सॉन्ग्स अनुराधा पौडवाल और कई ऐसी कलाकार के साथ भी लता मंगेशकर लड़ती रही. लता मंगेशकर नहीं दोस्तों, अनुराधा पौडवाल के साथ जो अपने ज़माने में कई फिल्मों में, क्योंकि गुलशन कुमार उसके पति थे अनुराधा पौडवाल को, और उन्होंने चार चांद लगाए और टी सीरीज़ के लिए उसने गाने उस ज़माने में जो जब गाना गाया था हीरो फिल्म का, तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर. दोस्तों, इस गीत ने पूरे भारत में देश में जो तहलका मचा दिया था. और फिर उसके बाद आशा भोसले भी उसके पति के साथ जो है स्टूडियो में जो है लड़ी और ये कौन है और किस लिए आया है, तो इस तरह उसकी जो है इंसल्ट की है उसके पति की. दोस्तों, कई ऐसी घटनाएं हैं
लेकिन उस जमाने में अनुराधा जो अवार्ड्स मिला था टी सीरीज के लिए उसने कई गाने गाए थे है जिसमें दिल है कि मानता नहीं धक धक दिल धकने लगा मोरा दे आराम लड़ने लगा। दोस्तों ये जो उदित नारायण के साथ गीत था ये बहुत उस जमाने में सुपरहिट रहा, लेकिन उस जमाने में जेलसी जो लता मंगेशकर और आशा भोसले के अंदर जो चल रही थी उनकी हम बात करते हैं कि उनकी हमने एक रिसर्च की नगीना फिल्म उस जमाने में दोस्तों आई थी जिसमें जो सारे गीत थे और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से लता मंगेशकर ने ये कह दिया था कि ये गीत मैं गाऊंगी और नगीना फिल्म का दोस्तों गीत जो था ये अनुराधा का गीत था उसकी आवाज़ में, लेकिन उसको डब करके इसने अपनी आवाज़ में ये गीत तैयार कर लिया था। मैं तेरी दुश्मन तू मेरी दुश्मन मैं तेरी दुश्मन। दोस्तों ये जो गीत आप रिसर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे जिसमें ये गीत उस जमाने में अनुराधा से लिया गया, लेकिन फिर बाद में दोस्तों टी सीरीज़ के लिए जो अनुराधा को कई ऐसे गीत्स मिले जिसमें अनुराधा रातों रात उसने तरक्की की थी, लेकिन अनुराधा को जो एस डी बर्मन ने अभिमान फिल्म्स में पहली दफ़ा जो उस ज़माने में सेलेक्ट किया था अमिताभ बच्चन के लिए जो गीत तो राम्स में जो गीत था उसमें जो है वो पहली दफ़ा जो है उसके गीत के लिए उसको सेलेक्ट किया क्योंकि उससे पहले उनको रेडियो पे सुन लिया गया था। लेकिन दोस्तों अनुराधा टी सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जम गई थी और इसके गीत संगीत में जो ज़माने में उनको जो भी सुनता था और अलका याग्निक के साथ जो उसकी गीत में जो टी सीरीज़ के लिए जो पब्लिक उस ज़माने में जो दोस्तों देख सकते हैं दिल फिल्म का गीत है मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए कोई जायदर ढूंढ निकलाए न जाने कहाँ दिल खो गया न जाने कहाँ दिल खो गया। दोस्तों इस फिल्म को देखिए आमिर खान की फिल्म है जिसमें जूही चावला और आमिर खान जो लो पे एक फिल्म से जिसमें गीत जो सबसे पहले जो अलका याग्निक ने ये गीत दोस्तों गाया था फिर अनुराधा पौडवाल ने इस गीत को गाया और ये गीत बहुत सुपर हिट्स रहा, लेकिन जब दोस्तों इसको टी सीरीज में सुपर हिट्स ये गीत रहा और अनुराधा उनके गीत का जब अलका याग्निक को पता चला तो अलका याग्निक फाइट्स और उसने वो चौंक गई और कई बार उसने इंटरव्यू में अपने ज़माने में कहा कि ये जो है हमारे गीतों को इस तरह करती है। फिर दोस्तों बाद में कई ऐसे कारण हुए जिसमें अनुराधा को जो है पति की और उसकी बेटी की डेथ के बाद जो कई उसकी ज़िंदगी में उतार आए, लेकिन अनुराधा बिल्कुल दिल से टूट गई और उसने फिर भजन शुरू कर दिए थे। दोस्तों ये कई ऐसे गीत हैं जो हमने आपको इसकी घटनाएं बतानी हैं, लेकिन दोस्तों अनुराधा के बाद जो हमने आपको बताया कि सुमन कुलियान के साथ भी लता मंगेशकर ने जो कारंस किए हैं सुमन कुलियान के साथ दोस्तों जो एक गीत था 1962 का ए मेरे वतन के लोगों ये गीत जो ज़माने में सुमन कुलियान ने बिल्कुल तैयार कर लिया था और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने बिल्कुल तैयार कर लिया था, लेकिन लता मंगेशकर ने उसकी जगह पब्लिक के सामने जो है ये गीत खुद गा दिया था और ये उसका कॉन्फिडेंस था। वो भी माहिर नायक है दोनों अपने ज़माने की बेहतरीन गीत गाने वाली थी, लेकिन दोस्तों सुमन कुलियान के कई ऐसे गीत हैं 1960 और 70s के जो उस ज़माने में लता के साथ जो तुमसे और मुझसे मोहब्बत करनी थी और कई ऐसे गीत दिल एक मंदिर है। दोस्तों ये गीत जो उस ज़माने में 1960 का जो गीत था ये बहुत सफलता का गीत था और इस गीत को जब लता मंगेशकर और मंगेशकर बहनों ने सुना तो ये गीत बहुत उस ज़माने में क्योंकि लता के साथ उसकी आवाज़ सुमन कुलियान की बिल्कुल 60s के दौर की देखें तो गीत रिसर्च करके देखें तो बिल्कुल एक जैसी फिटनेस आवाज़ में है और उनकी आवाज़ में पहचान नहीं होती। और दोस्तों एक और हमने इसकी रिसर्च की है जो किशोरदा के साथ भी उनके गीत रहे जिसमें
न जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के रिश्ते। दोस्तों उसकी और कई सिख चीज की जो उसके बुक रिकॉर्ड्स में जो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जो उसने गाने गाए थे, तो क्या हरच तेरे प्यार में चर्चे सबको जबान पे ना ना करते प्यार तुम ही। दोस्तों और कई ऐसे गीत जो उसको गीत रहे, लेकिन सुमन कुलियांस की जो नसीब फिल्म का गीत है जिंदगी इम्तिहान लेती है, और बास कहते हैं कि नहीं 1988 में वीराना फिल्म के लिए करके मेरे साथी जो गीत है वो सुपर हिट्स रहा। लेकिन दोस्तों लता मंगेशकर और सुमन कुलियांस की जो हमने बात करनी है, दोस्तों इनका जो अपने ज़माने में जो टकराव रहा, उस ज़माने में पगल्स फिल्म्स एक थी जिसमें उसके बाद 1969 की एक फिल्म्स आई जिसमें चांद एक फिल्म थी। चांद फिल्म में इनका फर्स्ट और लास्ट सॉन्ग्स दोनों का है, कभी आज कभी कल कभी परसों कभी आज कभी कल। दोस्तों ये जो गीत इन दोनों ने साथ ही गाया था, और तो इसके बाद उनका गीत कोई भी नहीं आया। सुमन कुलियांस हमेशा कम बजट पर बॉलीवुड के लिए गीत गाए, और कम बजट की वजह से प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के साथ इन दोनों को बहनों के संबंध थे, संजुग था, जिसकी वजह से जो है इसको नज़रअंदाज किया गया और इंडस्ट्रीज में। और सुमन कुलियांस जो आजकल अपने घरेलू हालात में जो कई भाषाओं में मराठी बंगाली में गा चुकी है, लेकिन वो पेंटिंग करती है और खाना उसको अच्छी तरह पकाना आता है, और उसके अलावा कई इसकी स्किल्स हैं। लेकिन दोस्तों हमने उसकी गीत जो उन्होंने अपने ज़माने में गाए हैं जो बहुत सुपर हिट्स हैं, रेशम के डोरे से सुना करमान, और दोस्तों कई ऐसे उनके गीत रहे, ए मेरे वतन के लोगों। ये जो गीत था लता मंगेशकर ने उनसे छीन लिया था और ये खुद गा लिया था। तो दोस्तों ये जो ज़माने में सुमन कुलियांस की मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जो उनके जो गीत रहे, लेकिन फिर बाद में प्रोड्यूसर्स ने उनको मनाया, लेकिन फिर अनुराधा के साथ जो उनके कई गीत हमने आपको रिसर्च करके बताए, और अनुराधा और फिर आशा लतम अलका यागनिक की जो हमने बात की है। तो दोस्तों कोई कमेंट्स हो बताएं। दिस इज अगेन द न्यू इन्फॉर्मेशन अ न्यू यूट्यूब ऑन लर्निंग टू सब्सक्राइब लाइक्स क्यू टू कमेंट्स न्यू रिसर्च थैंक फॉर